हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिस्टम सेटिंग पे जाना है। सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और शेड्यूल पावर ऑन ऑफ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑटो पावर ऑफ। ऑटो पावर ऑफ का मतलब होता है आप इसे यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका सोने का टाइम होता है तो आपका फ़ोन भी ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा उसी टाइम पे। यानी कि मैं जो 10 बजे सोता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 10 बजे का शेड्यूल कर रखा है, 10 बजे मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो पावर ऑन। ऑन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, यानी कि जितने टाइम पर आप यहाँ पर शेड्यूल करोगे। तो मैंने 7 बजे कर रखा है, 7 बजे आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।